फूलों का बहुत प्रयोग करें, फूलों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार होना चाहिए। आप मोती हीरा मत भी पहनाइए, लेकिन चंदन का प्रयोग जरूर करिए, फूलों का प्रयोग जरूर करिए, चंदन की खुशबू का प्रयोग करिए। काले रंग की चीजों का या काले रंग का प्रयोग इनके श्रृंगार में मत करिए। वैजयंती के फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए अगर आप वैजयंती के फूलों से भगवान कृष्ण का श्रृंगार करें तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मुख्य रूप से दो बातें समझिए उनके श्रृंगार की, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें। एक, फूल होने चाहिए ढेर सारे, पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए। और दूसरा, भगवान कृष्ण को पीतांबर अर्पित किया जाता है, यानी पीला वस्त्र ही उनको समर्पित करेंगे, पीला वस्त्र ही उनको पहनाएंगे। उसके अलावा आप मुकुट माला जो भी अर्पित करना चाहें वो करिए, कोई मना ही नहीं है, लेकिन फूलों का प्रयोग बहुत होना चाहिए, बहुत जरूरी है वो। और जो भी उनके श्रृंगार में वस्त्र का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो पीले वस्त्र होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा।